हेलो दोस्तों, आज हम IMEE का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो है मेंटेनेंस। हम इसमें टाइप ऑफ मेंटेनेंस पढ़ेंगे, मेंटेनेंस शेड्यूल पढ़ेंगे और प्रोसेड्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे टाइप ऑफ मेंटेनेंस में पांच तरीके के मेंटेनेंस दे रखे हैं। पहला है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या करता है कि जो हमारे इक्विपमेंट है उसे उसकी इफिशेंसी को बनाए रखने के लिए इस मेंटेनेंस को किया जाता है कि हमारा जो इक्विपमेंट हो वो ख़राब ना हो। नॉर्मली जो सर्विस किया जाता है ना उसे क्या कहते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। नॉर्मली किसी चीज़ की जो टाइम टू टाइम सर्विस होती है उसे क्या कहते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो हमारा फ्यूचर में होने वाले, मतलब फ्यूचर में मान लीजिए कि मान लीजिए आपने कोई भी सामान लिया, ठीक है, या कोई स्विच लिया, कोई सॉकेट लिया, ठीक है, या आपने कोई सामान लिया, तो हर किसी चीज़ की एक लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसके बाद उसे चेंज करना होता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है कि जो फ्यूचर में ख़राब होने वाला है ना, मतलब जो फ्यूचर में ख़राब होने वाला है, जैसे कि एक बैटरी की लाइफ होती है 2 साल तक, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसकी लाइफ होती है 2 साल तक, 3 साल तक, ठीक है, आपको उससे पहले ही चेंज कर देना कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े, तो कहलाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी जो फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है ना, जिस कारण होने वाली है, उस चीज़ को पहले ही हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, मतलब उससे बचा लेते हैं। अगर हम उससे पहले उस चीज़ को चेंज कर दें या रिपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएगा। मतलब समझ रहे हो, देखो हमारी जो नॉर्मल बैटरी की लाइफ होती है वो 5 ईयर होती है, नॉर्मली जो मैक्सिमम लाइफ है 5 ईयर है। लेकिन हम ये तो है नहीं कि जब तक खराब होने का वेट करें, अगर हम उसे टाइम से पहले ही बदल दें तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ रही है तो आप उसका कारण ढूंढोगे, किस कारण ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, और उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, तो क्या कहलाता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। यानी एक तरीके का डिटेक्ट करता है प्रॉब्लम को, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम जो बार बार फेस करनी पड़ रही है, जो बार बार प्रॉब्लम हमारे मशीन के अंदर आ रही है, हमारे इक्विपमेंट के अंदर आ रही है, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। उसके बाद आता है 0 आवर मेंटेनेंस। अगर आपने कोई नई सामान खरीदे तो कुछ लिमिट पीरियड तक आपको उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उससे कहते हैं 0 आवर मेंटेनेंस। उसके बाद आते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस। इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक मेंटेनेंस क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, देखिए इनमें 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसके बाद प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, उसके बाद आता है पीरियोडिक मेंटेनेंस। ये 3 जो मेंटेनेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल के उस सोल्यूशन को अप्लाई करना। मान लीजिए हमारी जो बैटरी है वो 3 साल बाद खराब होने वाली है, तो जो लास्ट ईयर, मतलब 3 साल होने से पहले पहले हम उससे क्या करेंगे, बैटरी को चेंज कर देंगे। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या होगा, जो प्रॉब्लम आने वाली है उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम आ रही है, ये आने वाली प्रॉब्लम यानी फ्यूचर में होने वाली, और ये प्रॉब्लम आ चुकी है, इस प्रॉब्लम को आपको डिटेक्ट करना है, निकालना है, उसके बाद उसका प्रिवेंट यानी कोई बचाव ढूंढना है। उसके बाद आते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर हर किसी जो भी इक्विपमेंट बनता है उसका एक टाइम पीरियड होता है सर्विसिंग का, मेंटेनेंस का। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस मतलब कि हर 6 महीने पर या हर दिन या आपको 1 साल में आपको मेंटेनेंस करना ही करना है। मतलब एक रूल्स होता है कि आपको इतने दिन पर ये करना ही करना है, तो क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस। इसे कहते हैं टाइम बेस्ड मेंटेनेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। TBM इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है 1 नंबर में। TBM का फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। और इसे कहते हैं टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस, क्योंकि जो टोटल है, मतलब जो हमारे इक्विपमेंट है उसके टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस, उसका पूरा मेंटेनेंस होना ही होना है एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम 11 kV का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जो आउटपुट में 415 वोल्ट या 240 वोल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो 415 वोल्ट होता है वो 3 फेज में होता है, और जो 240 वोल्ट होता है वो सिंगल फेज में होता है। यहाँ भी वही लिख रखा है कि जो 400 वोल्ट होता है 3 फेज में होता है, 230 वोल्ट होता है वो सिंगल फेज में होता है विथ न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड सब स्टेशन। अब बता देता हूँ ग्रिड सब स्टेशन क्या होता है, जो हमारे जनरेटिंग सिस्टम को और सब स्टेशन को जोड़ने का काम करता है उसे कहते हैं ग्रिड सब स्टेशन। जो मैक्सिमम ग्रिड सब स्टेशन का काम होता है ना, वो 3, 4, 2 या 2 से अधिक सब स्टेशन को या जनरेटिंग सिस्टम को जोड़ता है सब स्टेशन से। यानी आपके पास, देखिए कहने का मतलब है,
अगर कहने का मतलब है जैसे कि कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट 24 आवर्स यानी 2400 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाय चांस आपका एक सब स्टेशन है शिमला में, ठीक है, और दूसरा सब स्टेशन है कोलकाता में, ठीक है। मान लीजिए आप शिमला से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है वो हो रहा है यार, मान लीजिए राजस्थान में, ठीक है, एक शिमला एक राजस्थान, ठीक है, राजधानी पावर लिमिटेड सुना होगा आपने, तो एक शिमला में एक राजस्थान में, राजस्थान से बिजली सप्लाई हो रही है मुंबई को, महाराष्ट्र को, ठीक है। महाराष्ट्र में बिजली कटनी नहीं चाहिए, कुछ रूल्स है कुछ वहाँ के, ठीक है। तो एक तो राजस्थान से सप्लाई हो रहा है और एक शिमला से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। बाई चांस राजस्थान को सर्विस चाहिए होगी, जब राजस्थान का सब स्टेशन है तो हर सब स्टेशन को एक सर्विस की सर्विस पीरियड चाहिए होता है, सर्विस करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो जब राजस्थान का जो हमारा सब स्टेशन है वो बंद होगा तो उसकी जगह कौन काम करेगा, शिमला का सब स्टेशन। तो इसीलिए ग्रिड सब स्टेशन यूज किया जाता है, ये एक तरीके का स्विच होता है, जैसे कहते हैं नहीं हम कहते हैं, कह रहे मतलब है जब एक सर्किट कम बंद हो जाएगा ना, जब एक सब स्टेशन बंद होगा तो दूसरे सब स्टेशन को कनेक्ट करने का काम होता है ग्रिड सब स्टेशन का। तो ये क्या होता है, ये जनरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को जोड़ने का काम करती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ मोटर। अगर मोटर की मेंटेनेंस करें तो क्या क्या करेंगे मोटर की मेंटेनेंस पे, तो नॉर्मली अगर आप इलेक्ट्रिकल मोटर की मेंटेनेंस कर रहे हो तो क्या क्या उन पे फोकस करोगे, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को देख लेते हैं। फ्री क्वांटिटी चेक, अगर आप डेली चेक करने की बात आती है यानी डेली बेसिस पे चेक करने की बात आती है तो क्या क्या चेक करोगे, क्लीन, क्लीन का मतलब क्या कि साफ सफाई है ये नहीं, मोटर के ऊपर मिट्टी तो नहीं जमी पड़ी ना, ठीक है। उसके बाद क्या, मिट्टी देखिए, क्लीन एंड डस्ट, डस्ट मतलब मिट्टी होती है, ऑयल देखिए, अगर आप कहीं भी देखिएगा कहीं फैक्ट्री की जगह पे, अगर आप कई कई दिन तक मशीन के ऊपर कपड़ा ना मारो तो उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर जम जाती है। ऑयल की लेयर के कारण क्या है, मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिससे क्या है कि जो कॉयल है अंदर की वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, जल सकती है। तो हमें क्या चेक करना होता है, क्लीननेस यानी साफ सफाई, और मोटर के ऊपर कहीं डस्ट तो नहीं जमा पड़ा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, क्लीननेस, क्लीननेस में ही आ जाता है ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेक ऑयल रिंग यानी उसके रिंग को चेक करना, ऑयल को चेक करना है, बड़ी मोटर हो या छोटी मोटर हो, ऑयल तो हर जगह यूज की जाती है, शाफ्ट के अंदर भी ऑयल यूज की जाती है, अलग अलग जगह ऑयल यूज किया जाता है। तो चेक ऑयल रिंग टर्न विथ शाफ्ट, ठीक है, आगे समझेंगे हम आगे। चेक ऑयल लेवल इन वायरिंग, आप नॉर्मली बेसिक अपने घर की मोटर को ले लो, कूलर की मोटर को ले लो, उसे समझने की कोशिश करो, देखो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डेली चेक करो तो क्या चेक करोगे कि हमारे मोटर के ऊपर मिट्टी विट्टी तो नहीं जमी पड़ी है, ठीक है, क्लीननेस है या नहीं है, ठीक है। उसके चेक करोगे कि हमारा मोटर फ्री रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके चेक करोगे मोटर में से कोई नॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके चेक करोगे मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कई चीज़ें आप बेसिक अपने लाइफ से लो, ये बुक की चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए आज तक हमने देखा नहीं है ऑयल लेवल इन ब्रिंग क्या होता है। तो आप बेसिक अपने लाइफ से लो, जो आप नॉर्मली आपके घर में कूलर होगा, कूलर के मोटर, कूलर के पर्दे को खोलो, कूलर के मोटर को देखो, आप कूलर में क्या क्या चेक करो, कूलर का टेम्परेचर चेक कर सकते हो, कूलर की स्पीड चेक कर सकते हो, कूलर में से कोई नॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा नहीं कर रहा है, और वो वाइब्रेट हो रहा नहीं हो रहा, कूलर वाइब्रेट कर रहा नहीं कर रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, तो नॉर्मली वह यहाँ बता रखा है कि किस तरीके से चेक करना है, आपको क्या क्या चेक करना है। तो मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ उसके हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले क्या चेक करोगे आप मोटर के अंदर, पहले तो क्लीननेस चेक करोगे, क्योंकि क्लीन होना जरूरी है मोटर को, ठीक है। उसके चेक करोगे नॉइस, क्या अगर मोटर रोटेट कर रहा है तो कोई नॉइस प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आपको स्पीड, कि क्या स्पीड में कोई कमी तो नहीं है। और फोर्थ पॉइंट है करंट, क्योंकि करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट से ही आपकी प्रॉब्लम को सारा, अगर आपके मोटर के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो करंट से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चार पांच पॉइंट अपने बेसिक नॉलेज से उठा लेना, जो आपकी बेसिक नॉलेज होगी, क्योंकि वो आपको पेपर में लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर 6 महीने पे, ये होता है नॉर्मली करने पे, अगर हम नॉर्मली चेक करते हैं मोटर को तो क्या करेंगे, अगर 6 महीने पे चेक किया जाता है हमें मोटर को तो क्या क्या चेक करेंगे, क्लीन मोटर, मोटर को चेक करेंगे कि मोटर क्लीन है या नहीं है, ब्लोविंग आउट डस्ट फ्रॉम बाइंडिंग, ब्लोविंग का मतलब होता है उसके पीछे पंखड़ी से लगी होती है वो, अगर चल रही है नहीं चल रही, उसके ऊपर मिट्टी धूल तो नहीं जमी पड़ी, एंड बी कम्यूटेटर एंड बर्सेस, ठीक है। और जो कम्यूटेटर बर्सेस है उनकी कंडीशंस, क्योंकि जो हमारे डीसी मोटर्स होते हैं उनके अंदर कम्यूटेटर बर्सेस यूज किए जाते हैं, तो आप उन्हें चेक करोगे कि जो हमारे कार्बन के बर्सेस है वो खराब तो नहीं हो गए, ठीक है। और विजुअल इन्फेक्शन यानी जो आप वो चीज़ देखोगे जो दिखाई देता है, विजुअल इन्फेक्ट
कनेक्ट कम्यूटेटर क्लैंपिंग रिंग, यानी जो क्लैंपिंग रिंग जिसमें कार्बन कनेक्ट होता है ना, मतलब जिसमें हमारे ये ब्रशेस को कनेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू किया जाता है, उसे रिंग कहते हैं। तो कम्यूटेटर की रिंग को चेक करोगे कहीं वो खराब तो नहीं हुआ है चलते चलते, किसी कारण जो चीज दिखाई देता है वो विजुअल में आ जाता है, ठीक है। चेक द रिप्लेस ब्रशेस डेट आर मोर देन हाफ वन, आप उनके ब्रशेस को चेक करोगे, क्योंकि जो कार्बन के ब्रशेस हो घिसे हैं नहीं घिसे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। एग्जामिन ब्रशेस होल्डर एंड क्लीन देयर डस्ट, और जो होल्डर, होल्डर का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो ब्रशेस हैं यानी जो कार्बन के ब्रशेस हैं वो यूज किए जाते हैं, वो होल्डर क्या सही है, उनके अंदर कोई मिट्टी विट्टी जम गई है, उसके अंदर स्प्रिंग का यूज किया जाता है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके अंदर क्लीन किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है चेक ब्रशेस प्रेशर एंड पोजीशन, और आपको क्या चेक करना होता है, जो ब्रश का पोजीशन है कि जो ब्रश है कम्यूटेटर के कम्प्लीटली कनेक्ट में है नहीं है, कॉन्टेक्ट में है नहीं है, पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे वो काम कर रहा है, कहीं ये तो नहीं कि वो एंगल उसका चेंज हो गया हो, तो वो सब चेक किया जाता है। रिमूव क्लीन आउट, रिमूव करोगे क्लीन आउट करोगे एंड रिप्लेस करोगे ऑयल को, ठीक है। आप जो नॉर्मली आप उसके अंदर ऑयल यूज किया है, आपने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए उस ऑयल को चेंज करोगे, जैसे आप अपने नॉर्मली व्हीकल्स में करते हो, ठीक है। चेक ग्रीस एंड वॉल, आप देखिए अब ग्रीस की बात आती है, नॉर्मली हम जो बाइक होती है, बाइक के जो टायर्स होते हैं या टायर्स के जो बाइक के रिंग होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, या साइकिल देखा आपने, साइकिल के अंदर भी ग्रीस का यूज किया जाता है। नॉर्मली आपको 6 महीने पे बदलना ही है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग मेंटेनेंस के अंदर आता है कि आपको 6 महीने पे काम करना ही करना है मोटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है चेक ऑपरेटिंग स्पीड और स्पीड, आप क्या करोगे उसके बाद उसकी ऑपरेटिंग स्पीड चेक करोगे कि स्पीड में कोई चेंजेस तो नहीं आया ना, ठीक है। टेक्नीशियन एक्सपेंसिव एंड टाइट लूज कनेक्शन, अगर आपका कोई कनेक्शन लूज है तो उस कनेक्शन को क्या करोगे, टाइट करोगे, हर 6 महीने पे ये काम करना ही करना है आपको, ठीक है। टेस्ट करंट इनपुट एंड कंपेयर विद द नॉर्मल, आपको क्या करना है, करंट को टेस्ट करना है विद कंपेयर करना है उसका जो रेटिंग है ना, और मोटर के ऊपर एक रेटिंग होती है रेटिंग करंट, उस रेटिंग करंट से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। विजुअल टेक ड्राइव, आपको वो चीज चेक करनी है जो आप देख सकते हो फॉर स्मूथ रनिंग, कि आपकी मोटर के अंदर फ्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है, वाइब्रेशन तो नहीं किसी तरीके का, ये आपको चेक करना है, ठीक है। चेक मोटर फुट बोल्ट, आपको जो जिसमें मोटर इंस्टॉल किया गया है उसके जो आपके बोल्ट है उन्हें चेक करना है, कहीं वो लूज तो नहीं है, कोई लूज पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है 8 साल, ये तो 6 महीने की बात हो गई, आपको 6 महीने पे करना ही करना है, ठीक है। अब साल में क्या करना है, आपको रिमूव एंड रीन्यू गेज एंड बॉल और रोलर वायरिंग, आपको क्या करना है, वायरिंग को चेंज करना है। वायरिंग क्या होता है, जिसके ऊपर हमारा रोटेटर रोटेट कर रहा होता है उसे वायरिंग कहते हैं, और उसे आपको 8 साल चेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट इंसुलेशन, यानी जो इसमें केबल यूज किया गया है मोटर के अंदर, जो आपका वायर यूज किया गया है उसके इंसुलेशन को आपको टेस्ट करना है कि उसका इंसुलेशन खराब तो नहीं हुआ है, कहीं उसकी एज तो नहीं हो गई है, ठीक है। क्लीन आउट मैग्नेटिक डस्ट, आपको क्या करना है, जो हमारा जो मोटर के अंदर है उस डस्ट को साफ करना है, क्योंकि मोटर के अंदर भी मिट्टी चली जाती है विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, उसकी मदद से अंदर चली जाती है, तो आपको उसे डस्ट को साफ करना है विद द हेल्प ऑफ क्लीन, आप लिक्विड यूज कर सकते हो, एयर प्रेशर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चेक क्लीननेस बिटवीन शाफ्ट एंड जोनर बॉक्स, आपको क्या करना है, शाफ्ट एंड जोनर बॉक्स के बीच में क्या क्लीननेस चेक करना है, यानी जो आपका टर्मिनल बॉक्स होता है उनके अंदर धूल मिट्टी तो जमा नहीं है, और उसके अंदर क्लीननेस कहीं मिट्टी विट्टी तो बैठी हुई नहीं है, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। चेक द कम्यूटेटर फॉर स्मूथनेस एंड स्लो डैमेज, आपको कम्यूटेटर चेक करना है, कहीं कम्यूटेटर कट तो नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटर होता है कॉपर कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो डीसी मशीन में होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, डीसी मशीन के साथ कम्यूटेटर कनेक्टेड होता है, कम्यूटेटर के साथ कार्बन कनेक्टेड होता है, जब हमारा मोटर रोटेट करता है तो कम्यूटेटर से कॉन्टेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा कम्यूटेटर घिसने लगता है, कॉपर का होता है, तो कम्यूटेटर को चेक करेंगे कहीं इसकी लाइफ खत्म तो नहीं होगी, अगर इसकी लाइफ खत्म हो गई तो कम्यूटेटर को हमें चेंज करना होगा टाइम से पहले, क्योंकि अगर टाइम की बात करेंगे तो हमारे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामाइन कनेक्ट द कम्यूटेटर एंड आर्मेचर कॉइल, ठीक है, आर्मेचर कॉइल्स हम एक बार चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट आर्मेचर बैंड्स, और उसके बाद हम पूरे आर्मेचर को एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया, तो एक बार आप इसे दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी।
ठीक है, मैं इस चैप्टर में दोबारा, पांच तरीके के हमारे मेंटेनेंस होते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस और जीरो आवर मेंटेनेंस हो जाता है पीरियोडिक मेंटेनेंस। इनमें तीन इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो हमें फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकाला जाता है, और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और आता है पीरियड मेंटेनेंस, जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस किया जाता है उसे कहते हैं पीरियड मेंटेनेंस। उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का हमें बता रखा है। उसके बाद आता है ग्रिड सब स्टेशन। ग्रिड सब स्टेशन नॉर्मली सब स्टेशन होता है जो दो या दो से अधिक जनरेटिंग सिस्टम को सब स्टेशन से कनेक्ट करता है, दो या दो से अधिक जनरेटिंग सिस्टम को सब स्टेशन से कनेक्ट करता है, तो उसे कहते हैं ग्रिड सब स्टेशन। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ मोटर, इसकी इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस ऑफ मोटर में। देखिए आप डेली क्या करोगे, डेली बेसिस पे, छह महीने पे, ठीक है, और साल भर में, ठीक है, तीन शेड्यूल हो गई। अगर आपको डेली चेक करना होगा तो डेली ये सब चेक करोगे, छह महीने पे चेक करना होगा तो ये चेक करोगे, और साल भर में ये करोगे। ठीक है, ये रूल्स अकॉर्डिंग, हमें किसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। देन प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।